हमेशा की तरह मैं आज भी परिसर के बाहर बैठे भिखारियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच में व्यस्त था। स्वास्थ्य जांच और फिर मुफ्त मिलने वाली दवाओं के लिए सभी भीड़ लगाए कतार में खड़े थे। अनायास ही सहज ही मेरा ध्यान एक बुजुर्ग की तरफ गया जो करीब ही एक पत्थर पर बैठे हुए थे। सीधी नाक, घुंघराले बाल, निस्तेज आंखें, जिस्म पर सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़े। कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो भिखारी नहीं है। उनका दाया पैर टखने के पास से कटा हुआ था और करीब ही उनकी बैसाखी रखी थी। फिर मैंने देखा कि आते जाते लोग उन्हें भी कुछ दे रहे थे और वे लेकर रख लेते थे। मैंने सोचा कि मेरा ही अंदाज गलत था, वो बुजुर्ग भिखारी ही है। उत्सुकतावश मैं उनकी तरफ बढ़ा तो कुछ लोगों ने मुझे आवाज लगाई, उसके करीब ना जाइए डॉक्टर साहब, वो बूढ़ा तो पागल है। लेकिन मैं उन आवाजों को नजरअंदाज करता मैं उनके पास गया। सोचा कि जैसे दूसरों के सामने वे अपना हाथ फैला रहे थे, वैसे ही मेरे सामने भी हाथ करेंगे। लेकिन मेरा अंदाज फिर चुक गया। उन्होंने मेरे सामने हाथ नहीं फैलाया। मैं उनसे बोला, बाबा आपको भी कोई शारीरिक परेशानी है क्या? मेरे पूछने पर वे अपनी बैसाखी के सहारे धीरे से उठते हुए बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई मे हैव सम आई प्रॉब्लम इन माय राइट आई। इतनी बढ़िया अंग्रेजी सुन के मैं अवाक रह गया। फिर मैंने उनकी आंखें देखी, पका हुआ मोतियाबिंद था उनकी आंखों में। मैंने कहा, मोतियाबिंद है बाबा, ऑपरेशन करना होगा। बुजुर्ग बोले, ओ कैटरेक्ट, आई हैड कैटरेक्ट ऑपरेशन इन 2014 फॉर माय लेफ्ट आई इन रूबी हॉस्पिटल। मैंने पूछा, बाबा आप यहां क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग ने कहा, मैं तो यहां रोज ही 2 घंटे भीख मांगता हूं सर। मैंने कहा, ठीक है लेकिन क्यों बाबा? मुझे तो लगता है आप बहुत पढ़े लिखे हो। बुजुर्ग हंसे और हंसते हुए ही बोले, पढ़े लिखे? मैंने कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बाबा। बाबा ने कहा, ओ नो डॉक्टर, व्हाई वुड आई, सॉरी इफ आई हर्ट यू। मैंने कहा, हर्ट की बात नहीं है बाबा, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बुजुर्ग ने कहा, समझ कर भी क्या करोगे डॉक्टर? अच्छा ओके, चलो हम उधर बैठते हैं वरना लोग तुम्हें भी पागल ही कहेंगे। और फिर बुजुर्ग हंसने लगे। करीब ही एक वीरान टपरी थी, हम दोनों वहीं जाकर बैठ गए। वेल डॉक्टर, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, बुजुर्ग ने अंग्रेजी में ही शुरुआत की। मैं एक कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में फंस गया था और यह बैसाखी हाथ में आ गई। कंपनी ने इलाज का सारा खर्चा किया और बाद में कुछ रकम और सौंपी और घर पर बैठा दिया, क्योंकि लंगड़े बैल को कौन काम पर रखता है सर। फिर मैंने उस पैसे से अपना ही एक छोटा सा वर्कशॉप डाला, अच्छा घर लिया, बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। वर्कशॉप को आगे बढ़ाकर उसने एक छोटी सी कंपनी और डाली। मैं चकराया, बोला, बाबा तो फिर आप यहां इस हालत में कैसे? बुजुर्ग ने कहा, मैं किस्मत का शिकार हूं साहब, बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों बेच दिया। बेटे की तरक्की के लिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। सब कुछ बेच बाज कर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जापान चला गया और हम जापानी गुड्डे गुड़िया यहाँ रह गए। ऐसा कहकर बाबा हंसने लगे। हंसना भी इतना करुण हो सकता है ये मैंने पहली बार अनुभव किया। फिर बोला, लेकिन बाबा आपके पास तो इतना हुनर है कि जहां लात मारे वहां पानी निकाल दे। अपने कटे हुए पैर की ओर ताकते बुजुर्ग बोले, लात कहां और कैसे मारू बताओ मुझे। बाबा की बात सुन मैं खुद भी शर्मिंदा हो गया, मुझे खुद बहुत बुरा लगा। प्रत्यक्षतः मैं बोला, आई मीन बाबा आज भी आपको कोई भी नौकरी दे देगा क्योंकि अपने क्षेत्र में आपको इतने सालों का अनुभव जो है। बुजुर्ग ने कहा, यस डॉक्टर, और इसी वजह से मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ, 8,000 रुपए तनख्वाह मिलती है मुझे। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बोला, तो फिर आप यहां कैसे? बुजुर्ग ने कहा, डॉक्टर बेटे के जाने के बाद मैंने एक चौल में एक टीन की छत वाला घर किराए पर लिया, वहां मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। उसे पैरालाइज है, उठ बैठ भी नहीं सकती। मैं 10 से 5 नौकरी करता हूं, शाम 5 से 7 इधर भीख मांगता हूं और फिर घर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूं। आश्चर्य से मैंने पूछा, बाबा अभी तो आपने बताया कि घर में आप और आपकी पत्नी है, फिर ऐसा क्यों कहा कि तीनों के लिए खाना बनाते हो? बुजुर्ग ने कहा, डॉक्टर मेरे बचपन में ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था, उसकी माँ ने अपने बेटे जैसे ही मुझे भी पाला पोसा। 2 साल पहले मेरे उस जिगरी दोस्त का निधन हार्ट अटैक से हो गया, तो उसकी 92 साल की माँ को मैं अपने साथ अपने घर ले आया। तब से वो भी हमारे साथ ही रहती है। मैं अवाक रह गया। इन बाबा का तो खुद का भी हाल बुरा है, पत्नी अपंग है, खुद का एक पांव नहीं, घर बार भी नहीं, जो था वो बेटा बेच कर चला गया
और ये आज भी अपने मित्र की माँ की देखभाल करते हैं। कैसे जीवट इंसान है ये। कुछ देर बाद मैंने सामान्य स्वर में पूछा, बाबा बेटा आपको रास्ते पर ले आया, ठोकरे खाने को छोड़ गया, आपको गुस्सा नहीं आता उस पर? बुजुर्ग ने कहा, नो नो डॉक्टर, अरे वो सब तो उसी के लिए ही तो कमाया था, जो उसी का था उसने ले लिया, इसमें उसकी गलती कहां है। लेकिन बाबा लेने का ये कौन सा तरीका हुआ भला, सब कुछ ले लिया, ये तो लूट हुई। अब आपके यहाँ भीख मांगने का कारण भी मेरी समझ में आ गया है बाबा, आपकी तनख्वाह के 8,000 रुपयों में अब तीनों का गुजारा नहीं हो पाता, अतः इसीलिए आप यहाँ आते हो। बुजुर्ग ने कहा, नो यू आर रॉन्ग डॉक्टर, 8,000 रुपए में मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन मेरी मित्र की जो माँ है उन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों है, दोनों बीमारियों की दवाई चल रही है उनकी, बस 8,000 रुपए में उनकी दवाइयां मैनेज नहीं हो पाती। मैं 2 घंटे यहां बैठता हूं लेकिन भीख में पैसों के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करता। मेडिकल स्टोर वाला उनकी महीने भर की दवाएं मुझे उधार दे देता है और यहां 2 घंटे में जो भी पैसे मुझे मिलते हैं वो मैं रोज मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूं। मैंने अप लक उन्हें देखा और सोचा, इन बाबा का खुद का बेटा इन्हें छोड़कर चला गया है और ये खुद किसी और की मां की देखभाल कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन खुद की आंखें भराने से नहीं रुक पाया। भरे गले से मैंने फिर कहा, बाबा किसी दूसरे की मां के लिए आप यहां रोज भीख मांगने आते हो? बुजुर्ग ने कहा, दूसरे की? अरे मेरे बचपन में उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए, अब मेरी बारी है। मैंने उन दोनों से कह रखा है कि 5 से 7 मुझे काम और मिला है। मैं मुस्कुराया और बोला, और अगर उन्हें पता लग गया कि 5 से 7 आप यहां भीख मांगते हो तो? बुजुर्ग ने कहा, अरे कैसे पता लगेगा, दोनों तो बिस्तर पर है, मेरी हेल्प के बिना वे करवट तक नहीं बदल पाती, यहां कहां पता करने आएगी। बाबा की बात पर मुझे भी हंसी आई लेकिन मैं उसे छिपा गया और बोला, बाबा अगर मैं आपकी माँ जी को अपनी तरफ से नियमित दवाई दूं तो ठीक रहेगा ना, फिर आपको भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। बुजुर्ग ने कहा, नो डॉक्टर, आप भिखारियों के लिए काम करते हैं, माँ जी के लिए आप दवाई देंगे तो माँ जी भी तो भिखारी कहलाएंगी। मैं अभी समर्थ हूँ डॉक्टर, उनका बेटा हूँ मैं, मुझे कोई भिखारी कहे तो चलेगा लेकिन उन्हें भिखारी कहलवाना मुझे मंजूर नहीं। ओके डॉक्टर, अब मैं चलता हूँ, घर पहुंचकर अभी खाना भी बनाना है मुझे। मैंने निवेदन स्वरूप बाबा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, बाबा भिखारियों का डॉक्टर समझकर नहीं बल्कि अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए दवाई स्वीकार कर लीजिए। अपना हाथ छुड़ाकर बाबा बोले, डॉक्टर अब इस रिश्ते में मुझे मत बांधो प्लीज, एक गया है हमें छोड़कर, आज मुझे स्वप्न दिखाकर कल तुम भी मुझे छोड़ गए तो? अब सहन करने की मेरी ताकत नहीं रही। ऐसा कहकर बाबा ने अपनी बैसाखी संभाली और जाने लगे और जाते हुए अपना एक हाथ मेरे सिर पर रखा और भरभराई ममतामयी आवाज में बोले, अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। शब्दों से तो उन्होंने मेरे द्वारा पेश किए गए रिश्ते को ठुकरा दिया था लेकिन मेरे सिर पर रखे उनके हाथ के गर्म स्पर्श ने मुझे बताया कि मन से उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकारा था। उस पागल कहे जाने वाले मनुष्य के पीठ फेरते ही मेरे हाथ अपने आप प्रणाम की मुद्रा में उनके लिए जुड़ गए। हमसे भी अधिक दुखी, अधिक विपरीत परिस्थितियों में जीने वाले ऐसे भी लोग हैं। हो सकता है इन्हें देख हमें हमारे दुख कम प्रतीत हो और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल जाए। हमेशा अच्छा सोचे, हालात का सामना करें, कहानी से कुछ प्रेरणा मिले तो जीव मात्र पर दया करना और परोपकार की भावना बच्चों में जरूर दे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।